मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे वाटरफॉल की तरफ। ये काफ़ी बड़ा सा वाटरफॉल है और काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है ये। ये वाटरफॉल पड़ता है थाने डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा आगे मुमरा शहर में। काफ़ी खूबसूरत से मुमरा शहर भी, और वहीं पे ये पहाड़ों के बीच में काफ़ी बड़ा सा वाटरफॉल बह रहा है। हम आपको ले चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। ये हम यहाँ से चले, ये इस जगह का नाम है खड़ी मशीन रोड। यहाँ ऊपर एक मज़ार भी है और ये एक इस जगह का नाम खड़ी मशीन रोड कहते हैं। यहीं से आप जो है मुमरा स्टेशन से थोड़ी दूरी पर ये आपको रोड मिलेगा, और जो है ये सबवे बना हुआ है नीचे, ऊपर बाईपास रोड है। हम इस सबवे से अंदर की तरफ चलते रहेंगे नीचे से। आप यहाँ पे बाइक भी लेके आ सकते हो, लेकिन बाइक कार नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। आपको अगर टू व्हीलर है तो आप उससे आ सकते हो। कुछ बच्चे जा रहे हैं झरने पे खेलने के लिए। यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान है, चाय नाश्ते की दुकान, और यहाँ ऊपर मज़ार शरीफ है। और आपको हम यहाँ से दिखाते हैं ये बाईपास रोड नीचे, और ये झरना बहता हुआ ऊपर से आता हुआ दोनों पहाड़ों के बीच में से ये झरना बह रहा है, आप देख सकते हैं। और ये छोटा सा एक रोड बनाया हुआ है दोनों पहाड़ों के बीच में, ये छोटा सा रोड मज़ार शरीफ पे जाने के लिए, क्योंकि मज़ार इस पहाड़ पर ऊपर की तरफ है। तो ये झरने के बीच में छोटा सा एक रोड बना दिया गया, आप देख सकते हैं आगे से झरना दोनों पहाड़ों के बीच में से बहता हुआ आ रहा है। वहाँ काफ़ी पब्लिक इंजॉयमेंट कर रही है, पूरी फैमिली के साथ लोग आते हैं यहाँ पर, दोस्तों के साथ आते हैं। वो आगे ऊपर डैम बना हुआ है, ये काफ़ी तेज़ी के साथ बहता हुआ झरना। आप पानी की आवाज़ से समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा झरना है और काफ़ी तेज़ी से बहते हुए इसका पानी आ रहा है नीचे की तरफ। अब हम चलेंगे आपको लेकर, ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, आप देख सकते हैं खूबसूरती इसकी। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे दो रास्ते, एक सीधे हाथ की तरफ एक उल्टे हाथ की तरफ। तो हम पहले यहाँ आपको सीधे हाथ की तरफ ले चलते हैं जहाँ से झरना बह रहा है, तो आपको हम नज़दीक से दिखाएंगे झरना। ये झरना यहाँ से बह रहा है, बारिश का दबाव कम होने की वजह से पानी थोड़ा सा कम है लेकिन भी काफ़ी ज़्यादा है, और जब तेज़ी से बारिश होती है तो ये पूरा नदी की तरह यहाँ पे बन जाता है, ये जो है पूरा भर जाता है, पूरा नदी की तरह काफ़ी तेज़ी से पानी यहाँ उतरता है। आप देख सकते हैं डैम बना हुआ है। और ये डैम के किनारे से भी पहाड़ों से बहता हुआ पानी आ रहा है, और इस तरफ से भी आ रहा है डैम के से भरते हुए पूरा। ऐसा ही एक डैम और थोड़ा ऊंचाई पे और एक डैम बना हुआ है। अभी हम चलेंगे आपको इस रास्ते से दिखाएंगे ऊपर की तरफ से कि पानी का दबाव कैसे और किस तरह से आ रहा है। ये एक डैम बना हुआ है ऊपर जिसमें से पानी बह रहा था नीचे की तरफ, और यहाँ काफ़ी लोग आए हुए नहाने के लिए। आगे देख सकते हैं एक डैम और है थोड़ा सा ऊपर। ये बच्चे यहाँ पे पूरे इंजॉयमेंट के साथ, कुछ लोग तैरने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पे आके तैरते, आप देख सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन तैराक तैराक है, इसने डाई लगा के काफ़ी अंदर पानी में तैरते हुए ये आगे तक तैर लेते हैं। तैरने वाले आप देख सकते हैं काफ़ी आगे निकलेगा ये पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए, कहाँ निकला वो डुबकी लगा कर।
काफ़ी गिलोर है मुंद्रा के लोग और काफ़ी अच्छे तैराक है, आप अंदाज लगा सकते हैं। जिन्हें तैरना है वही यहाँ पे डुबकी लगाए, जिन्हें तैरना ना आता वो बहादुरी ना दिखाए, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक है। काफ़ी लोग तैर रहे हैं यहाँ पे, और आगे जो छोटा सा और डैम बना हुआ है, यानी स्टेप टू स्टेप पहाड़ की ऊंचाई की तरफ से डैम बना है। एक हमारे और एक साथी डुबकी लगाएंगे, उन्होंने जंप लगाई और वो भी काफ़ी अच्छा तैर लेते हैं। अभी तक वो पानी से बाहर नहीं आए, वो पानी के अंदर ही जो है आगे तक चले जा रहे तैरते हुए। वो देखिए वो वहाँ पे वो उन्होंने अपना सिर निकाला, वो वहाँ पर आए तैरते हुए। और अब वो किनारे की तरफ फिर लौट कर आ रहे हैं तैरते हुए। काफ़ी इन्जॉयमेंट है, जिन्हें तैरना आता है उनके तो मज़े हैं यहाँ पर। और ये पानी काफ़ी साफ है, ये लाल मिट्टी की होने की वजह से, इन पहाड़ों पर जो लाल मिट्टी है उस वजह से ये पानी लाल नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी साफ पानी, आप गिरता हुआ पानी देख सकते कितना साफ है। हम आपको एक रिप्ले दिखाएंगे हमारे साथी का, क्योंकि काफ़ी दूर थे ये, हम क्लियरिटी बता नहीं पाए। अब हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन तैराक है ये हमारे साथी, काफ़ी अच्छा तैर लेते हैं। और इनका स्टेमिना काफ़ी है, इनका कोई नशा नहीं, हमारे साथियों में ये सबसे अच्छे तैराक है, क्योंकि कोई नशा नहीं करते। कुछ बड़ा करना हो तो नशे से बचना चाहिए। और ये लौट के फिर वापस अपनी जगह पे, काफ़ी इन्जॉयमेंट है यहाँ पर। आप दोस्तों के साथ आए, फैमिली के साथ आए, काफ़ी खूबसूरती है यहाँ, बहुत ही शानदार सीनरी है यहाँ पर। काफ़ी ऊंचे पहाड़, काफ़ी ग्रीनरी सीनरी, हरियाली, काफ़ी लोग यहाँ आए हुए दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ। आप देख सकते हैं पूरा एक स्पॉट बना हुआ है ये सेल्फी पॉइंट का। ये मैदान है ऊपर और मैदान के बाजू में पहाड़, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और मैदान भी काफ़ी बड़ा सा मैदान है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं ये मैदान, काफ़ी दूर तक लोग यहाँ जो है, आप देख सकते हैं ये टेंट, ये दूसरा डर अब करता हुआ नीचे झरने का पानी। काफ़ी खूबसूरत झरना, काफ़ी ऊंचा झरना, पानी का बहाव भी बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।